इसमें एक दरवाजा लगा है नक्शा जेनुइन 50% इसमें ऑफ है। दरबार डैम्पिंग है पैरामैट का। जो पीछे वाला कपलर है ये मारुति का कपलर है, और जो उसके ऊपर कपलर लगाया है ये वाला, ये अपना सुजुकी जिस पे लिखा हुआ है, ये हमारी तरफ से लगाया गया है। सीरीज रहने वाली है और यहाँ पे रिंग वगैरह के साथ इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है। 9,000 रुपए में कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो भी आप लगवा सकते हो। भैया कितना हैवी है इसका? तो यह हुआ तो इंडिकेटर के पास जो है अपना फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे माइनस हो रही है, वॉल्यूम अपनी जो है वो प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा, और कॉल पिक एंड ड्रॉप के सारे बटन जो है वो आपको वर्किंग यहाँ पर देखने को। जो इसका वेलकम फीचर आता है ये वाला, ये जो फंक्शन आता है ये बहुत अच्छा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, देन उसके बाद देखा कि भैया का किस वे में भैया का काम है, तो फिर देन अभी 4-5 डेज पहले मैं आया था, प्राइस लिस्ट और मार्केट में एक्सप्लोर करा और 3-4 बंदों से बात करी, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को भैया का जेन्युइन लगे। प्राइस काम की क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन है, 10 में से मैं 10 दूंगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी मनीष कार एक्सेसरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। तो मनीष भाई से मिलते हैं। मनीष भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। कौन सा वेरिएंट रहने वाला है फ्रॉन्क्स का? ये भैया सिग्मा मॉडल है, बेस मॉडल। ये देखो इंडिकेटर इसका। तो फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वाली कार के अंदर आप क्या क्या कर रहे हो? बेस टू टॉप बना दे, सारा काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, डैम्पिंग कर रहे हैं, हेडलाइट में हमने डाला एलईडी 120 वाट का। 120 वाट एलईडी, कितने साल की वारंटी? 2 साल की वारंटी भैया, रिप्लेसमेंट। चेंज होके मिलेगा पीस आपको, मतलब अगर कोई खराबी आती है तो कल को आप पीस रिप्लेसमेंट जो है वो करवा सकते हो। हैंड टू हैंड रिप्लेस हो जाएगा आपका। ठीक है जी। बाकी आप लोगों को भी मालूम है कि अगर आप चाहो तो इसकी डीआरआर लाइट भी लगवा सकते हो। फ्यूचर में किसी को हेडलाइट चेंज करवाना हो डीआरआर, हाँ जी, वो पड़ेगा आपको 12,000 रुपए का। उसके बाद ये पड़ेगा 15,000 रुपए का, चेंज करके देंगे आपको। मतलब एलईडी नहीं है, अगर आप लाइट चेंज करवाते हो, जो आता है तीन प्रोजेक्ट वाला आता है ना, 15,000 में चेंज कर देंगे आपको। ठीक है जी। तो सामने से सिर्फ अभी जो अपडेट रहने वाला है वो हेडलाइट में एलईडी जो है वो इंस्टॉल आप कर रहे हो। 120 वाट के 2 साल की वारंटी है। ठीक है जी। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल में भैया ने एलो लगा के आया कंपनी से। ठीक है, अपने पास अवेलेबल है, मिल जाएगा। उसके बाद ऑटो फोल्ड हो जाएगा मिरर जी। इस वाली कार में हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा, फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, 10,000 खर्चा आएगा। 10,000 में ऑटो फोल्ड विद की के साथ सिंक रहने वाला है। ठीक है जी। सर हमने इसमें एक दरवाजा लगाया है नक्शा जेनुइन, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्रोम लाइन जो है वो रहने वाला है, और जेनुइन जाहिर सी बात है, कोई बात ही नहीं करनी। 50% इसमें ऑफ है। ठीक है, हमने भैया का 50% ऑफ दिया है क्लाइडिंग पे, अभी लगेगा वो वहाँ पर हुआ। क्लाइडिंग अपनी नेक्स्ट जेनुइन जो है वो रहने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट का इसमें 50% ऑफ चल रहा है आपका, तो फ्रॉन्क सिग्मा वालों के लिए, फ्रॉन्क सिग्मा बेस टू टॉप वालों के लिए 50% का ऑफ अपने डोर वाइजर और साइड क्लाइडिंग पे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अंदर चलते हैं एक बार। अब बाहर से भी एक और चीज बताता हूँ, इन लोन का इसे लगाया ली कंपनी का, ये सीन लीक का। तो लीक की तो अच्छी अच्छा ब्रांड रहता है, लाइफ टाइम की गारंटी है। ये देखो कंपनी, अभी पन्नी फाड़ा बंदे ने ली कंपनी का। ठीक है जी, इसकी गारंटी है लाइफ टाइम की, अगर जंग लग गया तो मेरे पास आओ और चेंज करवाओ मनीष कार से आके। तो ठीक है जी, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने अंदर बाहर डैम्पिंग किया पैरामैट का। कितने सीट लगा दी होगी मनीष भाई? ये 8 सीट लगा है अंदर बाहर जी। ठीक है, चारों दरवाजों में लगाई गई है। और इससे फायदा क्या, यहाँ देखो, यहाँ पे नॉइज बिल्कुल कम होगा आपका। तो यहाँ पे यहाँ देखो, ये आवाज़ में है ना फर्क हो जाता है लगने के बाद, मतलब ठोस जो है वो थोड़ा बहुत सरफेस आपको मिल जाएगा। और इसका जो दरवाज़ा है मारुति का हल्का आता है, और साउंड भी अच्छा हो जाएगा लगने के बाद। ठीक है जी। इसके अलावा क्या लग रहा है इसमें? इसके अलावा हमने एंड्रॉइड लग रहा है 4/32 डेफ कंपनी का, अपर कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो सब है इसके अंदर। तो इसको लगाने में कोई वायर कटिंग वगैरह तो नहीं? कपड़ा टू कपड़ा, पीछे कपड़ा लगाया हुआ, सॉकेट टू सॉकेट है बैक साइड में। तो दोस्तों ये कपलर टू कपलर जो है वो रहने वाला है, और किस तरीके से इसका कपलर है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो पीछे वाला कपलर है ये मारुति का कपलर है, और जो उसके ऊपर कपलर लगाया है ये वाला, ये अपना सुजुकी जिस पे लिखा हुआ है, ये हमारी तरफ से लगाया गया है। अभी आप प्लग एंड प्ले होता ही है, मतलब कोई वायर कटिंग नहीं रहने वाली है। इसमें एम्प भी लग रहा है, एम्पलीफायर लग रहा है, तो अभी करके आउटपुट देने के लिए फ्रेम वगैरह लगना बाकी है, अभी तो इसमें काम रहता है ना। स्पीकर कौन सा लगा रहे हो मनीष भाई? उनका भैया लगा ले थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो चेक कर सकते हो, डिफरेंस लग रहा है हरमन का थर्ड जनरेशन मतलब एक अच्छी सीरीज जो है वो रहने वाली है, डिफरेंस का रेफरेंस सीरीज रहने वाली है। और यहाँ पे रिंग वगैरह के साथ इसका काम जो है कंप्लीट हो चुका है, स्पीकर की क्वालिटी भी जो है काफी अच्छी बिल्ड में जो है वो रहने वाली है। ये फ्रंट में कॉम्पोनेंट लगाए गए हैं, रियर में कोएक्सल लगाए गए हैं जी भैया। तो कोएक्सल स्पीकर भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, और रियर में आप देखोगे तो यहाँ पे कोएक्सल स्पीकर जो है सेम रेफरेंस सीरीज के वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको बेसिक से स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिए जाते। तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग जो है वो चेंज हो चुका है, क्रूज के बटन जो है वर्किंग नहीं रहने वाले। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपना आर्मरेस्ट का जो अपडेट है वो भी किया जा रहा है, पैनल्स कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, आर्मरेस्ट वहाँ से निकाल रहा है वो, और यूएसबी वगैरह भी लगाओगे मनीष भाई? मारुति का नक्शा का जर्मन यूएसबी भी लगा
रहा है पीछे, एम्ब्रेस के पीछे पीछे है। वाला जो डुअल स्लॉट आता है, सी टाइप आईफोन का जो आता है। ठीक है जी, तो यूएसबी सॉकेट के साथ जो है कंप्लीट ही अपना रहने वाला है। तो अभी तो गाड़ी का काम जो है ऑन वर्किंग है, एक बार कंप्लीट होता है फिर आपको सारी चीजें डिटेल में दिखाते हैं। दिखाते हैं, एक कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगा किसी को चाहिए तो। ठीक है, 9000 रुपए में कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो भी आप लगवा सकते हो। कैमरा लगा रहे हो इसमें? कैमरा लगा रहे हैं। कौन सा रहने वाला है कैमरा? भैया एचडी में मूविंग कैमरा है, मूविंग कैमरा रहने वाला है। तो अभी लगा या नहीं लगा? अभी अभी इसमें भैया ने अभी लगाया नहीं है, कुछ टाइम के बाद लगा देंगे। यहां पे लगेगा ये कैमरा, और अगर आप चाहो तो कनेक्टेड टेल लाइट जो है वो भी लगवा सकते हो। चेंज हो रहा है, ये डेमो है अभी, और जेन्युइन रहने वाला है और यूएसबी सॉकेट के साथ जो है इसका अपडेट रहेगा। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, तो सिस्टम इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आता है, सारे पैनल्स वगैरह खुले हुए हैं। तो सिस्टम भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, किस तरीके का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये रहने वाला है अपना 9 इंच की स्क्रीन के साथ, प्रॉपर रहेगा। और पीछे की तरफ आप देखोगे तो जितने भी इसके कनेक्शन देने हैं सारे कुछ के लिए आपको यहाँ पे सॉकेट देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉपर कपलर टू कपलर जो इसका इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, मतलब कि आपकी वायरिंग जो है वो कहीं पर भी हैम्पर वगैरह नहीं करी जाएगी। वारंटी के अंदर कोई भी आपको दिक्कत इससे जो है वो नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों फ्लोरिंग का भी अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो शील्ड की अपनी डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी आपको जो कारपेट वाला मैट मिलता है जल्दी से गंदा हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग है वो करेंगे, जिसके बाद जो है अपने जो कम्प्लीट फ्लोर है वो एक तरीके से लेमिनेशन शीट से ढक जाएगा। तो फ्लोरिंग का वेट करते हैं, करने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों अपनी जो बेस वेरिएंट वाली फ्रॉन्क्स है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। उसी के साथ हमारे पास एक और गाड़ी जो है वो आ चुकी है। तो मनीष भाई कौन सी गाड़ी रहने वाली है अपनी? डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस मॉडल है आपका। ठीक है जी, ये बेस है और ये अपना बीच वाला मॉडल रहने वाला है। पहले इसको बताइए इसमें क्या क्या कर रहे हो आप? छोटा मोटा काम हो रहा है, लग रहा है ड्रोवाइजर, लग रहा है बिल्डिंग, लग रहा है चार पांच आइटम ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बीच वाला मॉडल सिस्टम वगैरह सब कुछ कंप्लीट लग करके आ जा रहा है, आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये एम्ब्रेस वगैरह का जो काम है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। हम आते हैं अपनी मेन कार की तरफ जो कि ये रहने वाली है। इसमें क्या कुछ किया है आपने? हेडलाइट भैया हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है इसमें। ठीक है, इसमें लगवाना हो तो फ्यूचर में लग जाएगा, 12000 का DRR है और हेडलाइट है आपका 15000 रुपए का ओरिजिनल जेन्युइन जिस तरीके से इसमें आया है जी। ठीक है, यार वैसा सेम मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, बाकी इसमें हेडलाइट में हमने बल्ब चेंज कर दिया, प्लग एंड प्ले LED डाल दिया 160 वाट की, 160 वाट की। तो यहां पे की वारंटी है वन ईयर। सबसे पहले आप इसका जो यहां पे लुक चेक कर सकते हो और आउटपुट भी आप यहां पे देख सकते हो, दिखाता हूं एक बार। ठीक है जी, तो आउटपुट में कहीं कमी आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है, अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भैया रोशनी तो कितना हैवी है इसका, तो काफी अच्छा आउटपुट जो है वो मिल रहा है, पार का रोशनी है इसका। ठीक है जी, मतलब अगर ये स्लोपी कंडीशन में नहीं होती तो क्लियर रोड पे आपको विजन मिल जाता। क्या वारंटी देते हो मनीष भाई इसकी? वारंटी में 1 ईयर की होती है इसकी, रिप्लेसमेंट है। ठीक है, हैंड टू हैंड आओ चेंज करो मनीष कार पे। ठीक है जी, और ये पार्किंग बल्ब भी आपने चेंज किया है? पार्किंग बल्ब गिफ्ट दे दिया हमने, इसका पैसा नहीं लिया भैया से। ठीक है जी, तो सामने से लुक जो है वो गाड़ी का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। अब साइड में चलते हैं और बात करते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ लगाया गया है। भैया डोर वाइजर लगाया हमने, तो यहाँ पे अपना डोर वाइजर जिस पे आपको 50% डिस्काउंट है, 50% ऑफ है इस पे। ठीक है जी, और ये जो भैया बिडिंग है तो साइड बिडिंग, इसमें भी दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें 50% ऑफ है आपको। ठीक है, इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, अगर आपको क्रोम वाली चाहिए आप क्रोम लगवा सकते हो, और अगर आपको मैरून वाली चाहिए तो मैरून वाली भी आप लगवा सकते हो। मैरून भी लग जाएगा इसका। ठीक है जी, किसी भाई को ऑटो फोल्ड चाहिए तो वो मिल जाएगा 10000 रुपए का। 10000 रुपए में ऑटो फोल्ड नेक्सा जेन्युइन की के साथ सिंक वाला, वो अपना सिस्टम जो है वो लग जाता है। हमने लोअर गार्ड लगा दिया, लीक कंपनी का लगाया है। ये अपनी कितने पीस रहने वाली है? ये भैया पूरा है 6 पीस। ठीक है, पीस का 3 पीस इस साइड में है और 3 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि डे टाइम में दिखाया लीक कंपनी की है, तो अच्छी खासी वारंटी है इसकी, जंग लग गया तो वापस मनीष कार पे आओ चेंज करवाओ। ठीक है जी, तो ये बात हो गई है। अब चलते हैं एक बार रियर प्रोफाइल में, तो रियर में क्या कुछ लगा है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये आपका ब्रेक पे चलता है, हाँ जी पार्किंग में चलता है और इंडिकेटर में चलता है। इंडिकेटर तो सबसे पहले ये पार्किंग पे जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ रहने वाला है। इसके अलावा ब्रेक पर भी वर्क करेगा और इंडिकेटर भी वर्क करेगा आपका। ये ब्रेक पर आप चेक कर सकते हो कुछ तरीके से, मतलब लाइट थोड़ी सी और ज्यादा ब्राइट जो है वो हो जाती है। और इंडिकेटर के ऊपर तो जिस भी साइड पे इंडिकेटर दोगे, यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो दिया हुआ है, तो इंडिकेटर के पास जो है अपना फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कनेक्टिंग टेलर भाई हो किसी चाहिए नेक्सा जेन्युइन तो वो लगवा सकते हैं 9000 रुपए का, मात्र 9000 रुपए में नेक्सा लगा के दे देंगे आप, लगा करके आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, बाद हमने अंदर चलते हैं, कैमरा लगाया, कैमरा इसमें लगा भी है एक मूवी, वो कैमरा है वो इम पे लगाया है, गट्टू कैमरा जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे इंस्टॉल किया है। गाइडलाइन वाला है, गाइडलाइन चलेगी गाड़ी ना तो दिखेगी, गाइडलाइन जा रहा है, गाइडलाइन ही मूव करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा एक पार्शल ट्रे जो है वो भी इंस्टॉल करी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे तो पार्शल ट्रे जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये भी अपनी नेक्सा जेन्युइन रहने वाली है। ठीक है, आपका 1000 रुपए का, 1000 रुपए की ये लगा देते हैं कस्टमर को। ठीक है जी, तो ये भी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है।
अब अंदर चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। तो आ चुके हैं कार के इंटीरियर में और यहाँ से क्या कुछ अपडेट किया गया है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। तो मनीष भाई अंदर क्या क्या लगाया आपने? हमने तो भैया हमने तो स्टीयरिंग कंट्रोल चेंज कर दिया। ठीक है, एनबी लगा दिया आपको चारों डोर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील जो है ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसमें भी ऑप्शंस आते हैं जो कि हम लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है काफी बार आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें आपको एक सिल्वर मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा ब्लैक भी। ठीक है, इस पे लगाना हो तो इसमें भी लग जाता है माउंटेड। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन है आपके पास। वॉल्यूम यहाँ पे माइनस हो रही है, वॉल्यूम अपनी जो है वो प्लस हो रही है। म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा और कॉल पिक एंड ड्रॉप के सारे बटन जो है वो आपको वर्किंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मनीष भाई क्या लगा है इस वाली कार में? हमने काम किया है इसमें एमएल आगे किया है। एमएल लाइट दस पीस का है ये। दस पीस कहाँ का है? दो डैशबोर्ड है, चार दरवाजा है और चार पैर के नीचे आएगा, दो आगे दो पीछे आपका। तो दो पीस आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर, एक पीस यहाँ एक पीस यहाँ पे और चार दरवाजे जो है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो दरवाजे में एक यही ऑप्शन मिलता है, कहीं और भी लगवा सकते हैं भाई? ये इसमें यही ऑप्शन आता है, यही ऑप्शन आता है। किसी भाई को चाहिए यहाँ पे तो यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, तो चॉइस के ऊपर आप पहले बता दोगे तो लग जाएगा। और चार पीस आपको फुटवेल्स के अंदर यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाने वाले हैं। चारों पैरों के नीचे आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। हाँ, वैसे आप मोड अपने हिसाब से डाल सकते हो, 50 मोड है, जैसे डालना है वैसे डाल लो आप। तो मल्टीपल मोड्स के साथ आता है और फोन के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। और एक अच्छा एम्बियंस जो है वो आप अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बना सकते हो। इसकी वारंटी होती है, कुछ भी दिक्कत है तो मेरे पास हो मैं ठीक करके दे दूंगा आपको। ठीक है जी, तो ये आपने अगले दरवाजे आपने देख लिए हैं। रियर दरवाजों में कैसा कुछ फिट फिनिश रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। रेम्बो मोड जो कि मल्टीपल कलर्स में आता है बहुत अच्छा लगता है और ये K4 में जो है यही चीज आपको जो है देखने को मिलती है। सबसे बढ़िया ये लगता है देखने में K4 के अंदर। और इसके अंदर एक वेलकम फीचर भी आपको मिल जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं इसमें की इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और जो इसका वेलकम फीचर आता है ये वाला, ये जो फंक्शन आता है ये बहुत अच्छा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसीलिए इसको ना काफी अच्छा समझा जाता है और अच्छी लगती भी है बेसिकली ये अपनी। ठीक है जी मनीष भाई, एम्बिएंट लाइट हो गई। इसके अलावा ये भैया इसमें हमने लगाया जो एंड्रॉइड लगाया ना आपका, हाँ जी, इसी एप्पर कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है और इसमें DVR का भी ऑप्शन है आपका और 360 दिख रहा है आपको। अगर किसी फ्यूचर में 360 लगवाना हो ना एंड्रॉइड को, हाँ जी, तो उसमें लग जाएगा। व्यू गाइडलाइन हमने 360 लगाया नहीं है, किसी बंदे को लगाना फ्यूचर में लग जाएगा। इसमें एप्पर कारप्ले भी है आपका, एप्पर कारप्ले एंड्रॉइड सब मिल जाएगा, सब करेगा। हाँ ठीक है जी, मिलेगा। तो टच का रिस्पॉन्स सबसे पहले आप वो जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसमें भी जैसे कि 360 डिग्री कैमरे का आपको मिल जाता है कि अगर आप चाहो लगवा सकते हो। हमने लेकिन इसमें रियर व्यू कैमरा लगाया हुआ है जो कि HD रहने वाला है। बैकग्राउंड कैमरा दिखाएगा, ठीक है, मूविंग गाइडलाइंस के साथ है। इसमें कई सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी जैसे क्रोम ब्राउजर जो है वो मिल जाने वाला है। सारे इसमें मिलेगा फीचर आपको। और एक बार मैं आपको जो है इसका रियर व्यू जो कैमरा है वो भी चेकआउट, ये अपना रियर व्यू कैमरे का जो रिस्पांस है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि HD व्यू जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है और ये मूविंग गाइडलाइंस जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया अपना। ठीक है, मैं उसमें जाऊँगा टीलिंग के अंदर, दो ऑप्शन नाम आता है टीलिंग या जैन लिंक, तो मैं जाते हैं मेरा कनेक्ट हो जाएगा अपना। तो ये अपना जो है BT कनेक्ट हो रहा है इसमें, ये आगे नहीं यूज कार पे रहे, मैं इसको ऑन कर दूंगा। इसमें अपना आईफोन का मेरा सारा जो फंक्शन है ना कार प्ले कनेक्ट हो जाएगा अपना, इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। तो कारप्ले जो है वो कनेक्ट हो चुका है आपके सामने, सामने जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। हैवी टच है इसका, तो आपको मैप सब चलेगा इसके अंदर, जहाँ जाना है आपको सब मिल जाएगा, वो रिसेंट सर्च करो कहीं भी करो सब आ जाएगा आपको। ठीक है जी, तो ये अपना रहने वाला है। तो ये अपना 360 डिग्री कैमरा भी अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो, वॉइस कमांड वॉइस इसमें सीरी का मैंने बोला है तो इसमें भी कमांड आ जाएगा आपका लगने के बाद। ठीक है जी, सीरी वगैरह जो है इसमें वर्क करने वाला है जी। ठीक है, तो ये हो चुका है, कैमरा दिखा दिया है आपको, और बताइए क्या लगा इसमें? भैया हमने जो मेन है हमारा, ठीक है, हमने इसमें फिर कर दिया नेक्सा जेन्युइन। ये अपना स्लाइडिंग का फीचर है, नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा और प्रॉपर जो है फिटिंग के साथ रहने वाला है। कॉस्ट बताइए मनीष भाई इसकी। जो भैया कॉस्ट है इसकी 3500 की फिर फिटिंग के साथ। ठीक है जी, और हमने जो पीछे लगाया USB सॉकेट वो भी मिल जाएगा आपको, USB सॉकेट है। तो यहाँ पे अपना जो USB जेन्युइन रहने वाला है, जेन्युइन ये मारुति का लगाया, जेन्युइन नेक्सा का। ठीक है जी, तो ये इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है, आप चाहो तो फ्रंट में भी लगवा सकते हो, वो भी अपने पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये बात हो चुकी है, फ्लोर पे देखेंगे तो यहाँ पे डाई वाली फ्लोरिंग वो करी जा चुकी है और प्रॉपर फ्लोर के ऊपर जो है ये अपनी रहने वाली है। ये फ्लोरिंग ये कंपनी से लगा हुआ है, मैट जो लगाया ना कंपनी से लगा हुआ है, हमने इसमें कोवर फ्लोरिंग किया है। फ्लोरिंग जो नीचे वाली है वो करी है हमने, ऊपर मैट अगर आप चाहो तो मैट भी ले सकते हो। GFX 7D और 5D वगैरह के ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल आपको मिल जाएगा। वो किया गया था इस वाली कार के अंदर। मिलते हैं कार के ओनर से, भाई को फ्यूचर में कुछ लगवाना हो ना, इनर हैंडल हो गया आपका, AC वेंट पे जो आता है
इनर वेंट्स जो है वो आप लगवा सकते हो। ये आपका ये भी मिल जाएगा, IRVM बोलते हैं जिसको। ठीक है जी। और ये गियर नॉब भी जो है आप चाहो तो चेंज करवा सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शन जो है अपने पास अवेलेबल मिल जाते हैं। लाइट फ्री में लगा दिया एलईडी चेंज करके कॉम्प्लीमेंट्री जी। इसके अलावा दोस्तों सीट कवर जो है वो भैया ने पहले ही लगवाए हुए थे, उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या काम किया है, पहले जब ये सीट कवर लगे हुए थे तो ये ढीले डाले से थे, इसके ऊपर कंप्लीट जो बकेट फिटिंग सीट कवर्स की जो है वो यहाँ पे करी गई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक अपनी इस फ्रॉन्क्स की वेलकम प्लेट जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये आफ्टर मार्केट है, ब्लैक कलर की है, जिसमें आपको ब्लू कलर की जो इल्यूमिनेशन है वो देखने को मिल जाएगी। आप फ्रंट डोर की देख चेकआउट कर रहे हैं, एक बार मैं आपको रियर डोर भी जो है वो चेकआउट करवा देता हूँ। तो रियर डोर का जो आउटपुट है वो आपके सामने किस तरीके का रहने वाला है। तो ये कंप्लीट हो चुका है काम, एक बार मिलते हैं कार के ओनर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन सिंह है। आर्यन सिंह। और मैं न्यू अशोक नगर से आया हूँ, मतलब दिल्ली से ही। यहाँ पे दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला सर? वही यूट्यूब से आपके चैनल के थ्रू पता चला था मेरे को। मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, देन उसके बाद देखा कि भैया का किस वे में भैया का काम है। तो फिर देन अभी 4-5 days पहले मैं आया था, प्राइस लिस्ट और मार्केट में एक्सप्लोर करा और 3-4 बंदों से बात करी, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे को भैया का जेन्युइन लगे प्राइसेस और जो क्वालिटी का काम और जो काम था क्वालिटी वाला था। मतलब कि ओवरऑल आप पहले आए, विजिट किया, हाँ, चेक किया, उसके बाद जो है फाइनलाइज किया। मैंने भाई मनीष भैया से नहीं, मैंने यहाँ पे और भी है क्रिस्टल कार केयर, हाँ जी, जो 3-4 मेन जो यूट्यूब में फेमस है, मैंने उनके भी प्राइस लिस्ट चेक करे। देन उसके बाद डिसाइड करा कि मनीष भैया के मेरे को बेटर लगे प्राइस, फिर देन मैं अपने फादर के साथ आ जा गया। तो अभी प्राइस के अलावा अब हम बात करें काम की क्वालिटी वगैरह की, तो वो काम कैसा लगा? काम की क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन है, 10 में से मैं 10 दूंगा। कंप्लीट नंबर दूंगा, बट बस थोड़ी दिक्कत ये है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया भैया ने। बाकी काम जो फिट एंड फिनिशिंग है वो प्रॉपर है, जैसे कंपनी की होती है। तो बस थोड़ा मेरे को जो लगा टाइम का थोड़ा इशू लगा, बाकी वेल एंड गुड था। मतलब ये है कि डेली तो वैसे काम होता भी नहीं है, आपने जो टाइम लगाया वो वर्थ तो हो गया ना? हाँ वो वर्थ है, सैटिस्फाइड है। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि रिग्रेट फील हो, टाइम भी दे दिया और क्या नाम है काम भी अच्छा ना हुआ। नहीं नहीं, काम वो चीज़ तो नहीं है ना। नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। हम बजट की अगर बात करें तो ओवरऑल बजट सर क्या रहा अपना? बजट तो ओवरऑल 57,000 के आसपास हुआ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये सिग्मा मॉडल था। हाँ जी। तो उसमें कंपनी कुछ ऑलमोस्ट कुछ नहीं देती, तो हमें फिर वही था, तो हमने इसलिए पूरा इसमें डेल्टा प्लस इसे ऑलमोस्ट बना लिया। मतलब कि अब कंप्लीट आप सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हो। हाँ जी। एक अच्छे बजट में काम जो है वो अपना हो चुका है। और जैसे कि आपने कहा कि आपने पहले भी प्राइस वेरीफाई किए हुए थे, जाहिर सी बात है बेस्ट प्राइस आपको मिले हैं, तभी आप यहाँ पर आए हो। बाकी अपनी डेल्टा प्लस वाली कार भी रेडी हो चुकी है, तो मिलते हैं कार के ओनर से, जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम जॉस्टिन है और मैं नोएडा से आया था। नोएडा से आया। सर आपका नाम? अनीश। और सर आपका नाम है? लीजिन। लीजिन, नोएडा से आया। ठीक है, साथ में मतलब बेसिकली आ रहे हैं। तो मनीष भाई के बारे में कैसे पता चला आप लोगों को? एक्चुअली मैंने ना यूट्यूब देखा था, मैं एक्सेसरीज के लिए देख रहा था, मुझे फिट करना था। ठीक तो है। तब मैंने देखा तो पहला वीडियो इन्हीं का आया था और इनके काफी सब्सक्राइबर थे, तो उनका देखा तो मुझे काफी जेन्युइन लगा इसलिए। तो प्राइसिंग वगैरह भी आपने वहाँ देखी होंगी? हाँ, प्राइसिंग भी देखी, काफी रीजनेबल लगा। गाड़ी के अंदर जो फिटिंग वगैरह हुई है कैसा लगा काम आपको? काम अच्छा लगा और जल्दी भी हो गया, क्योंकि आपको तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तो इतनी चीज आपको चाहिए भी नहीं होती। नहीं, तो जो चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो सब मिल गई। और मनीष भाई का बिहेवियर वगैरह? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनसे क्या और मांगू क्या मैं? ठीक है, मतलब संतुष्ट होकर के जा रहे हो। पता नहीं चल रहे हैं, तो बहुत हैप्पी है आज के दिन में। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। एक नंबर दे दीजिए 10 में से। भैया ना आपकी वीडियो काफी दिन से देख रहे थे। अच्छा, अच्छी बात है, ये बात तो है। ठीक है, संडे ज्यादा भीड़ रहता है, फिर से प्लान करिए। ठीक है, तो अब ये बताइए नंबर अगर आपको देना हो सारे काम को, कितने नंबर देना चाहोगे? मैं अपने सारे दोस्तों को नंबर दूंगा। रेटिंग ओके, 10 में से नंबर देना होगा। 9 दूंगा। 10 में से 9 नंबर? चलो 9.5 10 दूंगा, 10 नहीं 11 दूंगा पक्का है। तो मतलब 9 से 10 भैया मैं पूरा दे देता हूं, पूरे नंबर जो है रहने वाले हैं। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आप खुश हो कल आना भी है ना, इसीलिए पूरे 10 दूंगा तो कुछ दिक्कत हो गई, तो इसीलिए कल आके मैं 10 दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दिक्कत से कुछ नहीं आएगा इसमें? नहीं, वो तो आपके काम से ही बता दूंगा यार, दिक्कत तो कुछ नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।